जीएनएन के संग में हमारी आज की मेहमान हैं सीनियर एंकर पर्सन समीना पाशा। उनसे मुलाकात के लिए लाहौर में वाके उनकी रिहाइश का पहुंचे तो उन्होंने हमारा पुरतपाक इस्तकबाल किया। समीना पाशा से गुफ्तगू हुई। अस्सलाम वालेकुम समीना, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आपके वीलॉग्स देखकर तो ऐसे लगता है कि जैसे बड़ी सख्त गिर और दबंग किस्म की खातून है, लेकिन असल जिंदगी में जब देखें तो आप तो बड़ी नरम खू और सॉफ्ट स्पोकन है। सिर्फ वीलॉग्स ही नहीं, जनरली भी अक्सर लोग जो ज्यादा जानते नहीं थे या जिनसे बातचीत ना हो तो आई डोंट नो, लेकिन शायद पर्सनैलिटी का कुछ ओवरऑल इम्प्रेशन ऐसा ही आता है। सबको ऐसा लगता है कि मैं बड़ी कोई सख्त और बड़ी कोई सीरियस किस्म की खातून, लेकिन जनरली फिर जब लोग बातचीत करते हैं तो फिर उन्हें आइडिया होता है कि ऐसा है नहीं है, बहुत सारे और भी पहलू हैं। और वीलॉग का ताल्लुक ज़रा ये भी है कि इस वक्त हालात जिस तरह से हैं तो ज़ाहिर है वो फिर आप सीरियस होकर उसी तरह से उसी अंदाज़ में बात कर रहे होते हैं, और बात कोशिश यही होती है कि जो दिल से निकले वही बात हो। आपके दबंग अंदाज़े गुफ्तगू की वजह से कभी कोई मुश्किलात भी फेस करना पड़ी? अभी तक तो ऐसी कोई ख़ास नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। और दबंग तो पता नहीं आप किसे कहते हैं या उस तरह, मुझे तो लगता है कि बहुत ज़्यादा लोगों की खिदमात हैं जिन्होंने बड़ा खुल के बहुत सादा काम किया है सहाफ़त में भी और वैसे भी, लेकिन बस कोशिश होती है कि हक सच की बात करें, सीधी बात करें, और कोशिश होती है कि कभी मायूस ना करें कोई देखने सुनने वाले को। आपके तजियों में बड़ी गहराई होती है, जुमलों में बड़ी काट होती है, ये इतने तख्लीकी से जुमले कहाँ से आते हैं? पहले तो शुक्रिया अगर आप ऐसा महसूस करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा एक अदब से लगाव रहा है शुरू से, और शेर व शायरी और अदब पढ़ना वो एक मशगला था स्टूडेंट लाइफ से, तो उसका एक असर हमेशा रहा कि आप कुछ अच्छा लिखना भी चाहते हैं, अच्छा पढ़ना भी चाहते हैं, अच्छा सोचना भी चाहते हैं, तो शायद इसी वजह से वो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं आपकी गुफ्तगू में या आपकी किसी तहरीर में वो चीज़ें नज़र आ जाती हैं जो कहीं कभी आपने पढ़ी हुई होती हैं। स्क्रीन की समीना पाशा और घर की समीना पाशा में क्या फ़र्क? बहुत, ज़मीन आसमान। घर में बिल्कुल डिफरेंट, बहुत मिजाज मेरा अलग घरेलू उस तरह से होता है। घर में मैं, मुझे लगता है मैं सिर्फ़ एक माँ हूँ और बीवी हूँ, बस एक बिल्कुल कंप्लीट हाउसवाइफ हूँ जिसका पूरा फोकस बच्चे 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 मियाँ घर ये रहता है, क्या बनाना है, बच्चों को क्या खिलाना है, बच्चों के सारे काम, पढ़ाना, स्कूल छोड़ना, स्कूल से वापस लेके आना, नहलाना, कुछ बच्चे अभी छोटी वाली दो तो बिल्कुल छोटी हैं, नहलाना धुलाना उनको वो सब, तो वो टोटली आप अगर घर पे मेरी सारी एक्टिविटीज़ ऑब्ज़र्व करेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं शायद कि मैं कोई ऐसी खातून हूँ जो कभी बाहर भी जाती हूँ या किसी से बात भी कर लेती हूँ। दिन का आगाज़ कैसे करती हूँ? सुबह कोशिश होती है अगर आँख खुल जाए नमाज़ पढ़ती हूँ, और उसके बाद फिर बच्चों के लिए तैयारी शुरू हो जाती है स्कूल की, फिर ऑनवर्ड्स आजकल तो खैर छुट्टियां हैं तो बच्चे भी ज़रा ज़्यादा सो रहे हैं, देर से उठते हैं, तो मैं भी ज़रा नींद पूरी कर लेती हूँ, अन्ना अदरवाइज़ तो काफ़ी टफ हो जाती है, फिर सुबह उनको तैयार करना, स्कूल भी खुद ही ड्रॉप कर लेती हूँ, ड्रॉप करके और उसके बाद फिर आके दोबारा मेरी कोशिश होती है एक आध घंटा अगर मिल लूँ तो, बस इस तरह से उनके साथ। शरारती थी या खामोश तबाह? नहीं, खामोश तबाह तो बिल्कुल नहीं थी, टॉकेटिव थी बहुत, और शरारत तो शायद इतनी मुझे नहीं याद कि बहुत ज़्यादा मैं करती थी, फ़नकार बहुत थी, मतलब किसी ने कोई एक जुमला दे देना है भाई इस पे बोलना शुरू कर दो तो बस हमने जनाब तकरीर शुरू कर देनी है, कोई किसी ने कह देना जी फलां एक्टर का ये वाला बड़ा आजकल मशहूर हुआ हुआ है या फलां एक्ट्रेस की ये वाली ज़रा मिमिक्री करके दिखाओ, तो छोटी सी मैं थी और मैं उसी वक्त उसी तरह उसी गेटअप में पूरी उसी तरह एक्टिंग करके दिखा देती थी, तो ये इस तरह के मैं बड़े ड्रामेबाजियाँ करती थी, तो ये फनकारियाँ बहुत ही ये इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि जो उसमें रही, इधर से नात पढ़ी, इधर से गाना भी गा लिया, इधर से किरात भी कर ली, इधर से डांस भी कर लिया, तो सारा ही काम सारा कुछ ही हो रहा होता मल्टी टैलेंट। हाँ पता नहीं ऐसा ही था बस, तो सब कुछ कर रहे थे। कोई दो चार डायलॉग तो सुनाए ना, और मिमिक्री भी थोड़ी सी। ऑनेस्टली अब थोड़ी बड़ी हो गई हूँ, कोशिश करती हूँ ये वाली हरकतें ना करूँ। मिमिक्री बिलावल की कर लेते हैं आजकल मेरे खाजे हमारे हिट है। खून मांगोगे खून देंगे,
सर मांगोगे सर देंगे, मिठाई मांगोगे मिठाई नहीं देंगे। वो थोड़ा लंबा लंबा करके वाह बहुत आला। तालीम का सिलसिला कहाँ तक जारी रहा? मैंने मास कॉम में मास्टर्स किया, फिर मैंने एमफिल स्टार्ट किया, फिर एमफिल में बड़ा अच्छा मेरा जा रहा था, सारे ग्रेड्स मेरे बहुत अच्छे थे और मेरा उसमें कंप्लीट भी हो गई, जो क्लास सेशंस थे वो मेरे कंप्लीट हो गए। फिर मुझे थीसिस सबमिट करवाना था, वो मुझे एक मेरी यानी लाइफ का आप समझ लें बड़ा गिल्ट है कि मुझे लगता है कि वो मुझे कंप्लीट करना चाहिए था थीसिस, लेकिन फिर मैं बस कराची मूव हो गई, वहाँ पर मैंने जियो चैनल ज्वाइन कर लिया न्यूज़ एंकरिंग के लिए, तो फिर यहाँ से चली गई, फिर वहाँ जाके बस मैं उस तरह फोकस नहीं कर सकी, कुछ ज़ाहिर अपनी टीचर से यूनिवर्सिटी से दूर हो गए, तो वो फिर मैं बस थीसिस कंप्लीट नहीं कर पाई, उसकी वजह से मेरा जो एमफिल था वो नहीं कंप्लीट हो सका। तो इस बात का मुझे बड़ा आज तक भी अफसोस होता है। क्या बचपन से ही एंकर बनने का शौक था? नहीं, एंकर बनने का बिल्कुल शौक नहीं था, ये ज़रूर था कि वो कहते हैं ना जरासीम होते हैं शुरू से, तो वो थे, लेकिन शौक़ नहीं था। शौक तो था कि भाई जैसे सब आधे पाकिस्तान को होता है बच्चों को डॉक्टर बनना है, तो वो डॉक्टर ही था, लेकिन फिर ये था कि FSC प्री मेडिकल भी किया, अच्छे मार्क्स थे, एंट्री टेस्ट भी दिया, फिर आपको पता है लिमिटेड सी सीट्स होती हैं उसकी मेडिकल की, तो जब उसमें एडमिशन नहीं हुआ तो फिर मैं बड़ी डिसहार्ट भी थी कि क्या करूं, फिर कुछ उसके अलावा भी प्लान था नहीं, तो मैंने फिर जर्नलिज्म के साथ ग्रेजुएशन की और फिर मैंने उसी में ही मास कॉम में मास्टर कर लिया। तब तक भी मेरे जहन में नहीं था कि मुझे कोई एंकर बनना है या जर्नलिस्ट, प्रैक्टिकल जर्नलिस्ट बनना है। फिर जब मास कॉम के बाद मास्टर्स में ही मैं थी, वहाँ पर जो हमारा रेडियो है उसका मास कॉम डिपार्टमेंट का, उसमें मैंने बस यूं ही जाके एक दिन ऑडिशन दिया, तो वो उसमें मुझे उन्होंने सेलेक्ट कर लिया, तो वह मैंने रेडियो प्रोग्राम स्टार्ट किया। वहाँ से फिर मुझे ज़रा मज़ा आने लगा कि ये मज़े का काम है। फिर उसके बाद ऑनवर्ड्स मैंने फिर जब मास्टर्स कंप्लीट किया तो फिर मैंने सोचा कि अब हमने मीडिया को ही ज्वाइन करना है। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मैं ना जब रेडियो कर रही थी उसके बाद फिर ऐसे ही बस मैंने PTV में कुछ प्रोग्राम्स की वॉइस ओवर भी किए, तो इस तरह से मामला थोड़ा थोड़ा सा चल रहा था। फिर मैंने सोचा, ये उस वक्त का टाइम है जब बहुत ज़्यादा प्राइवेट चैनल्स अभी नहीं थे, आने वाले थे, वैसे मैं कितनी पुरानी हूँ। उसके बाद ये हुआ कि कुछ चैनल्स का हम सुन रहे थे उन दिनों में कि जी वो लॉन्च होने वाले हैं, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ जाके ऑडिशन वगैरह दूँ, क्योंकि मुझे अच्छा, मैं आपको एक बचपन की आपने बात की थी तो उससे मुझे याद आया अभी कि जब मैं छोटी थी तो मेरे नाना अबू मुझे अक्सर कहा करते थे कि ना अखबार पढ़ के सुना दो, तो मैं उन्हें अखबार पढ़ के सुनाती थी तो वो बड़े खुश होते थे, कहते थे इतनी छोटी है और इतनी अच्छी इसकी उर्दू है ना, बड़ी साफ़ उर्दू है और बड़ी अच्छे से ये अखबार पढ़ती है, तो ये ना बड़ी होकर अखबारी नुमाइंदा बनेगी। ये वो छोटी सी मैं बिल्कुल थी और वो इस तरह कह दिया करते थे। तो जब मैं बड़ी हुई तो मेरे जहन में ऐसे आया, मैंने कहा बस यानी अब फील्ड भी है, अब पढ़ भी लिया है, तो चलो इसको मैं ना ऑडिशन को ट्राई करती हूँ न्यूज़ एंकरिंग में। और मैंने लाहौर में जितने चैनल्स थे सब में न्यूज़ एंकरिंग के लिए ऑडिशन दिया, और मज़े की बात मुझे सब ने फेल कर दिया। अच्छा। सब जगह मैं रिजेक्ट हो गई, और फिर मैं यही समझा, मैंने कहा यार मैं नहीं बन सकती, शायद मैं नहीं इतना अच्छा कर रही या जो भी क्राइटेरिया उस पर नहीं पूरा उतर रही। तो फिर मैंने वक्त न्यूज़ में एज ए रिपोर्टर ज्वाइन कर लिया, और फिर एक दिन बाय चांस मुझे मौका मिला कि एंकर कोई अवेलेबल ना हो जैसे, या किसी दोस्त ने कहा चलो मैं आप इसको ट्राई कर लें या इस तरह से, तो वो फिर मैंने किया। उसमें फिर कुछ जहांदीदा जो देखने वाले होते हैं नज़र गए, उन्होंने नहीं आप तो बहुत अच्छा कर सकती हैं, आपको ग्रूम करना चाहिए इसमें, तो फिर वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। फिर वक्त न्यूज़ में काम किया, वहाँ पर मैंने काफ़ी सीखा, एंकरिंग भी की, फिर मैंने वहाँ पर मुख्तलिफ शोज़ होस्ट किए, ट्रांसमिशन्स होस्ट की, फिर मैंने फील्ड रिपोर्टिंग की और बहुत टफ एरियाज़ में की। उस वक्त सवात में ऑपरेशंस चल रहे थे पाक फ़ौज के, राह निजात, राह रास्त, बुनेर, दीर, मालाकर्ण एजेंसी, मोहम्मद एजेंसी, बाड़ा, खैबर, तो काफ़ी ज़्यादा आगे तक मुझे जाके मौका मिला काम करने का, तो वहाँ मैंने वो सारे ऑपरेशन कवर किए और वहाँ पे कवरेज की, उससे बड़ा मुझे एक्सपोजर भी मिला और लर्निंग एक्सपीरियंस। फिर इवेंचुअली मैंने मुझे इसी तरह से किसी ने कहा कि जियो में आप अप्लाई करें, और इस तरह फिर मैंने वहाँ अप्लाई किया, तो वो एक काफ़ी लंबा टाइम था, 2-3 दफ़ा ऑडिशंस और फिर रिटर्न टेस्ट भी। उस दौर में तो बड़े सख्त क्राइटेरिया हुआ करते थे ऑनेस्टली स्क्रीन पे आने के लिए, अब मुझे लगता है कि वो काफ़ी कम कर दिए तमाम चैनल्स ने। फिर मैंने खैर वहाँ पे उन्होंने जियो ने फिर मुझे हायर कर लिया, वहाँ पे फिर मैंने 2 साल ऑलमोस्ट काम किया, फिर इस तरह से फिर मुख्तलिफ चैनल्स में बस चलता रहा न्यूज़ एंकरिंग का सफ़र। कभी कोई ऐसी खबर जिसे ब्रेक करते हुए डर लगाओ? नहीं, डरती वरती नहीं हूं। ये है, डर वर कोई नहीं लगता।
डर तो नहीं कभी लगा? हाँ ये है कि कभी आप एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्साइटेड होते हैं कोई खबर देते हुए, या कभी इमोशनल हो जाते हैं, या शायद बहुत अफसरदा भी हो जाते हैं कुछ खबरों के साथ, तो वो कभी फीलिंग्स आ जाती थी। लेकिन एज ए प्रोफेशनल मेरा ख्याल है कि हमें अपना जज्बात को कंट्रोल करना होता है, और वो हम कर लेते थे। साफियों को तो अक्सर धमकियां मिलती रहती हैं, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ? ऐसे कोई डायरेक्ट तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा उस तरह से नहीं धमकी मिली, लेकिन बस आपको मालूम ही है कि थोड़ा जैसे मुल्क के हालात होते हैं उसमें सब खुद से ही ये फील कर रहे होते हैं कि विजिलेंट हो जाना चाहिए, थोड़ी एहतियात करनी चाहिए, केयरफुल हो जाना चाहिए, तो ये काइंड ऑफ एक पूरा माहौल ही बन जाता है कि जिसमें आप ये महसूस कर रहे होते हैं कि कोई खौफ है कि कोई आपको आपके लिए कोई बंदिश आ जाएगी, या कोई आपके लिए मसला ना बन जाए, कोई नौकरी पे ना बात आ जाए, तो इस तरह के खदशात कहीं आपके ऑटोमेटिकली जहन में होते हैं। तो इस तरह से कोई सख्त किस्म की सीधी सीधी धमकी तो नहीं है, लेकिन बस आप समझ जाएं। क्या आपको भी कभी गाड़ी, प्लॉट या बंगले की ऑफर? हाय प्लीज कोई कर दे। नहीं भट्टी साहब, शुक्र है अल्लाह का कभी हुई नहीं है, और अगर हो भी जाए तो मेरा ख्याल है कोई फ़ायदा नहीं है उसका, क्योंकि मैंने कौन सा अवेल करनी है। तो बस कोशिश है, अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप ने एक चीज़ जिसको कहते हैं ना आपके खमीर में डाल दी हुई है, वो ये है कि ख़ुद भी हक हलाल उन्होंने कमाया और हमें खिलाया, और आगे हमारे अंदर भी ये तमीज़ डाल दी है कि आपने लुकमा कोई हराम का नहीं उठाना है। कभी कोई लिफाफा भी नहीं मिला? नहीं लिफाफा भी नहीं मिला कभी नहीं। कैसी बात किस्मत है? लिफाफे वाली पार्टियों की हमायत हम करते नहीं ना। जो ऑफर करते हैं हिमायत तो इनफैक्ट किसी भी पार्टी की नहीं है। असल में बहुत सारे लोग ये ख्याल करते हैं कि जी आजकल तो जर्नलिज्म है ही शायद ये कि जी या आप इस तरफ हैं या उस तरफ हैं, या आप एक तरफ की हिमायत कर रहे हैं या आप दूसरी तरफ की हिमायत कर रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर ऐसा जर्नलिस्ट के लिए होना भी नहीं चाहिए आइडियली, और ऐसा है भी नहीं। बात यह है कि जब आप जो जिस वक्त सही है हमें उसकी बात करनी है। साफ़ती जिम्मेदारियाँ ज़्यादा मुश्किल हैं या घरेलू? मुझे लगता है घरेलू ज़्यादा मुश्किल हैं, क्योंकि दुनिया में सबसे मुश्किल काम है बच्चा आप पैदा करें और उसकी तरबियत करें, ये बहुत अल्लाह ताला ने बड़ी ज़िम्मेदारी औरत को दी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तो चार हैं, तो माशाल्लाह उन सब की अच्छी तरबियत पे मेरा बहुत फोकस रहता है, होना चाहिए। तो मेरी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आज भी समझती हूँ कि एज ए मदर ज़्यादा टफ़ है, उनके साथ मुझे जो पूरा एक टाइम स्पेंड करना है, उनके मामला दुरुस्त रखने हैं, उनका एक निज़ाम ज़िंदगी ले कर चलना है, तो उसमें ज़्यादा टफ़ रहता है। बाकी अपना काम तो जो है उसको मैं आसानी से मैनेज कर लेती हूँ, उसमें हैं उसके चैलेंजेस अलग हैं, लेकिन वो हर वक्त नहीं है। हाँ। लेकिन बच्चे पालना जो है ना ये एक हर वक्त का चैलेंज, 24 आवर्स की जॉब है। आप डेढ़ दहाई से ज़्यादा अरसे से बतौर टीवी एंकर फ़राइज़ सरअंजाम दे रही हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर बहुत देर से आई हैं। अब तो काफ़ी करती हूँ, वैसे शुरू से मैं इतनी ज़्यादा कोई सोशल मीडिया की तरफ माइल नहीं थी, बल्कि बहुत सारे एंकर्स ने तो बहुत अरसा पहले इसकी तरफ अपना ट्रेंड कर लिया था, लेकिन मैं तो बहुत ज़्यादा दूर रही इससे, ऑनेस्टली बता रही हूँ बिल्कुल। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा कोई मेरी कोई एक्टिविटी नहीं थी। फेसबुक पर भी बहुत पहले कभी अकाउंट बनाया था, लेकिन उसको भी मैंने कभी ना खोला ना कभी यूज़ किया, तो बहुत ज़्यादा मैं इन चीज़ों से ज़रा दूर ही रहती थी उसकी, जैसे मैंने पहले जिक्र किया। बस वजह यह भी है कि ज़रा ध्यान सारा फैमिली और बच्चों और इसमें, और ज़्यादा से ज़्यादा बस ऑफिस गए, अपना काम किया, निमटा के आ गए। अब जब से ये प्रोग्राम करने लगी मैं GNN पे व्यू पॉइंट, तो मैं फिर मुझे लगा कि नहीं अब आपको एक ज़्यादा एक्सेस की ज़रूरत है तमाम चीज़ों की तरफ, इंफॉर्मेशन का फ़्लो जो है वो इतना ज़्यादा इन सोशल मीडिया से आ रहा है, तो इससे आप दूर नहीं रह सकते। फिर मैंने थोड़ा सा चीज़ों को फॉलो करना शुरू किया। हालिया दिनों में आपका एक वीलॉग बहुत वायरल हुआ, क्या ऐसे वीलॉग्स के बाद कोई दबाव भी आता है? दबाव पता नहीं किसको कहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा ज़रूर लगा कि उसके बाद मुझे सब की तरफ से ये ज़रूर कहा जाने लगा कि आप मोहतास हो जाएं, अभी फ़िलहाल खामोश हो जाएं, अभी हालात ऐसे हैं कि कहीं आपके लिए कोई मुश्किल ना खड़ी हो जाए। तो इस तरह की चीज़ें सब ने मुझे गाइड किया, जो मेरे सीनियर्स भी हैं ऑफिस में भी, और जनरली भी मुझे बहुत ज़्यादा उसका फीडबैक इसी तरह से था, फैमिली की तरफ से, रिलेटिव्स की तरफ से, फ्रेंड्स की तरफ से बहुत फीडबैक भी आया उसके ऊपर। और हर कोई जब जहाँ ये बात कर रहा था कि आपने बहुत ज़बरदस्त बात की उसमें, और बड़ी हमें खुशी हुई कि आपने इतने अच्छे से तमाम लोगों के जज्बात भी बताए, और उस पर जो आपने गुफ्तगू की वो बड़ी ला देने वाली थी,
जहाँ लोग ये तारीफ़ कर रहे थे वहीं पर अगली बात वो यही कर रहे थे कि लेकिन प्लीज़ अपना ख्याल रखें, हम आपके लिए बहुत फ़िक्रमंद हैं। तो ये एक एटमॉस्फेयर ऐसा बन गया है अनफॉर्चुनेटली, जो नहीं होना चाहिए लेकिन है, और उसकी वजह से जाहिर है कि आप फिर कहीं, बेशक आपको डायरेक्टली कुछ ना भी कहा जा रहा हो लेकिन आप कहीं ना कहीं वो आपको पता लगता है कि कोई दबाव है, कि आप उस तरह फ्री महसूस नहीं करते ख़ुद को कि आप बात करते हैं। तो आप जब आपको सोच के बात करनी पड़े ना कि भाई हमें बात करनी है लेकिन मैंने सोच के बात करनी है कि मैंने क्या कहना है क्या नहीं कहना, तो फिर इसका मतलब है कहीं दबाव है। आपके तो लाखों फैंस हैं लेकिन आप किसको पसंद करते हैं जर्नलिज्म में? मुझे दो तीन लोग बहुत पसंद हैं। एक तो मैं अज़हर अब्बास साहब को बहुत पसंद करती हूँ, बहुत बैलेंस्ड और बहुत प्रैक्टिकल, बड़े रियलिस्टिक एंड वेरी अनबायस्ड। अरशद शरीफ का बात करने का स्टाइल और काम का अंदाज मुझे बहुत पसंद था। सुहेल वड़ाइत साहब को सुनना आज भी अच्छा लगता है, मेरे टीचर भी रहे हैं। अब तक किन किन चैनल्स पर काम कर चुकी हैं? से कितनी सैलरी मिली और कहाँ काट लगे और सबसे ज़्यादा कहाँ सीखा? सीखा कहाँ? सीखा तो हर जगह से है। कुछ जगह से ये सीखा कि क्या करना चाहिए, कुछ जगहों से ये सीखा कि क्या नहीं करना चाहिए और काम पाकिस्तान के माशाल्लाह से तमाम लीडिंग चैनल्स में करने का ऑलमोस्ट मौका मिला। सीखते तो फिर आप थ्रू आउट रहते हैं, हर जगह से कुछ ना कुछ आप सीखते जाते हैं। कहा जाता है कि मीडिया में ख्वातीन के लिए काम करना कुछ ज़्यादा आसान नहीं है, आपको किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? मैं समझती हूँ कि ये जिस टाइप की फील्ड है हमारी, मेरा ख्याल है इन चीज़ों से ना ख़ुद को निकाल के सोच के आपको काम करना चाहिए कि आप औरत हैं या मर्द हैं। और मेरे नज़दीक मुझे कभी ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम फेस नहीं उस तरह से करनी पड़ी कि चूँकि मैं खातून हूँ तो इसलिए मुझे ये करना पड़ा। समीना पाशा के शौहर शहजाद पाशा और बच्चों के साथ भी दिलचस्प गुफ्तगू हुई। समीना पाशा साहब का जरा इंट्रोडक्शन करवाएं ना। इंट्रोडक्शन तो आपने अच्छा कराया, मैं तो मतलब जानता हूँ कि बहुत ही जय्यत किस्म की पाकिस्तान की इस वक्त उभरती हुई सहाफ़ी हैं माशाल्लाह, जब से इन्होंने सोशल मीडिया पर आई हैं तो उस पर छा गई हैं। शादी कैसे हुई? लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? हाँ, पसंद से ही हुई, अंडरस्टैंडिंग थी, इनफैक्ट इनकी पसंद थी मैं तो बस साथ में काम कर रहे थे एक चैनल में, फिर इन्होंने प्रपोज़ किया तो फिर फैमिली से मैंने मिलवा दिया कि भाई अगर फैमिली ओके करती है तो ठीक है, मामला फिर आगे चलते हैं। तो फिर इन्होंने फैमिली से मुलाकात की और फिर इनकी फैमिली भी मिली, फिर बस लिखा हुआ था तो फिर ऑटोमेटिकली चीज़ें हो गई स्मूथ और फिर शादी हो गई। इतना आसान कर दिया उन्होंने, मतलब इसमें आप सीधे सीधे कह रहे हैं कि हाँ लव मैरिज हुई थी, मैंने कहा और उन्होंने भी घर जाके कह दिया, फिर घर वाले मिले, यानी कि हाँ मैंने बताया तो है कि पसंद से थी और अंडरस्टैंड नहीं, मतलब आपने कहा हाँ पसंद से, आप बोले हाँ पसंद से ही है लव मैरिज। तो अब घर पर किसकी चलती है, आपकी या समीना की? इतना मुश्किल सवाल आपने पूछ लिया, इतनी आसानी से पूछिए और इतनी आसानी से पूछा ज़ाहिर है नहीं चलती और चलती नहीं, ऐसा नहीं है, असल में मुशावरत से ही होता है, कंसल्टेशन से कोई भी डिसीजन करना हो और मिलके ही करते हैं, डिस्कशन के साथ कर लेते हैं। फैमिली को कितना वक्त देती हैं? बस ऑफिस के अलावा, काम के अलावा जो वक्त है फैमिली का ही होता है। बहुत ज़्यादा सोशल एक्टिविटीज़ उस तरह से नहीं है मेरी कि सोशल गैदरिंग्स में जाना है या कोई बड़ी पार्टीज़ में जाना है, ना कोई बहुत ज़्यादा मेरे शौक़ हैं कि जी बड़ा कोई मैंने शॉपिंग करनी है या मूवी देखनी है, इस तरह के कोई शौक़ है नहीं। तो जो ऑफिस के अलावा वक्त होता है वो सारा फैमिली के साथ। इसके बारे में थोड़ा सा मैं डालूंगा, मैं अक्सर इनको कहता हूँ कि आप ही के चैनल पे ये जो प्रोग्राम करती हैं व्यू पॉइंट, उसमें एक आपके साबिक फॉर्मर एक एनालिस्ट थे हलाली साहब, तो ये ना इंटरनली इन जो इनकी सोल है ना, ये उनकी एज में हलाली साहब तो मतलब इनमें ना कोई वो नहीं है कि मतलब कोई लाइफ को किस तरह हम इंजॉय कर सकते हैं, कहीं बाहर जा सकते हैं, गैदरिंग कर सकते हैं, कोई मतलब उसको इंटरटेनमेंट आपकी लाइफ में वो नहीं है, मतलब इनका बस ये कि ये बच्चे ये खा लो, ये सो जाओ, इतने बजे उठ जाओ, इतने बजे सो जाओ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं हलाली साहब से ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। पाशा साहब गुस्से वाले हैं या सपोर्ट करते हैं? नहीं, गुस्सा अक्सर लोग, वैसे इनके बारे में भी यही तासुर था शुरू में कि शायद ये बड़ा कोई गुस्सा करते हैं उस तरह, लेकिन ये गुस्सा नहीं करते, घर पे तो बिल्कुल मैंने नहीं देखा गुस्सा करते हुए। मेरे साथ तो माशाल्लाह 10 साल हो गए हमारी शादी को, गुस्सा नहीं किया कभी, जरूरत ही नहीं हुई गुस्सा करने ही नहीं किया।
हिम्मत ही नहीं की कभी गुस्सा करने की उन्होंने। ये तो फिर अब ये बता सकते हैं लेकिन किया नहीं है ये मैं बता सकती नहीं। वो शादी के लिए मैं कहते हैं ना कि जब आप शादी के करीब करीब जा रहे होते हैं तो उसके लिए क्वालिफाई कर रहे होते हैं अलग अलग चीज़ें, तो शादी से पहले बड़ा था मुझे गुस्सा आता था, मैं भी एक नॉर्मल ह्यूमन बींग ही था, तो जैसे जैसे शादी करीब आई तो गुस्सा ऑटोमेटिक कम होना शुरू हुआ। अब शादी को माशाल्लाह टाइम हो गया तो अब तो बिल्कुल भी नहीं आता, अब तो कोई बाहर आके मुझे कुछ क्या बुरा भी क्या चला जाए ना तुम मानो ठीक है भाई, मतलब ये आप कहते होंगे इससे ज़्यादा तो घर हो जाती मेरे साथ, इससे ज़्यादा आपके लिए क्या क्या असूल मुकर्रर हैं, SOPs क्या हैं आपके लिए? देखें मेरे उसमें ना वेरिएशन आती रहती है, अगर जैसे ही मुझे कोई पुराना SOP याद होता है तो साथ ही कोई नया उसमें अमेंडमेंट आ जाती है, तो अभी तक मुझे मतलब मैं देख रहा हूँ कि कौन से हैं परमानेंट, लेकिन जो भी SOP आता है मैं उसे पूरा मनोन कंप्लायंस पूरी देते हैं। नहीं असल में मसला ये है कि ये चूंकि SOP फॉलो ही नहीं करते तो फिर वो एक सिलसिला हर वक्त जारी ही रहता है, SOP बार बार याद करवाने पड़ते हैं कि ये है ये है ये है, फॉलो नहीं करते ना। पाशा साहब की पसंदीदा डिश कौन सी है? पसंद इनको सारा कुछ है खाने में, जो भी इन अच्छी चीज़ बनी हो खाते शौक से, लेकिन मेरे हाथ से 2-3 चीज़ें बहुत शौक से खाते हैं। इनको मेरे हाथ की दाल बहुत पसंद है, दाल चावल बहुत शौक से खाते हैं जो मैं कुक करती हूँ, बिरयानी भी पसंद करते हैं, बीफ बिरयानी इन्हें बहुत पसंद है तो वो भी शौक से खाते हैं, और चिकन बहुत ज़्यादा शौक से नहीं खाते लेकिन मटन की कोई भी बनाई हो मैंने डिश वो शौक से खाते हैं, अचार गोश्त मटन का बहुत पसंद करते हैं। स्क्रीन की समीना पाशा में और घर की समीना पाशा में क्या फ़र्क है? जो क्वालिटी टाइम हम करते हैं बहुत अच्छा होता है, और जहाँ पोलाइट होती हैं आप देखें बच्चों के साथ हमारे साथ जैसे घर पर होता है आपको लगेगा ही नहीं कि ये वो वी लॉक करने वाली या व्यू पॉइंट करने वाली एंकर हैं जो इतनी दबंग आती हैं, और जहाँ मतलब वो होता है शी इज़ वेरी कैलकुलेटेड। मियाँ बीवी की आपस में लड़ाई हो जाए तो मनाने में पहल कौन करता है? सही कह रहे हैं आप, मियाँ बीवी की लड़ाई हो ही जाती है, जाहिर है इनका रिश्ता ही ऐसा होता है, लेकिन अब वैसे बड़ी कम लड़ाई होती है हमारी, एक तो वक्त भी बड़ा कम मिलता है लड़ने के लिए भी वक्त कम ही मिलता है, और वैसे अगर हो जाए तो ज़्यादातर पाशा साहब मनाते हैं, मैं कभी कम कम कभी कभी मना लेती हूँ लेकिन ज़्यादातर वैसे पाशा साहब मनाते हैं। गलती ही नहीं की होती होगी? ज़्यादातर गलती भी नहीं की होती। हाँ ज़्यादा जैसी गलती होती है वो मनाता है। समीना को मनाना आसान है या मुश्किल? डिपेंड करता है सिचुएशन पर, अगर वो किसी बात पर अड़ गई हैं तो फिर वो वक्त के साथ ही मानेंगे, आप चाहें कि अब मैं मना के उठूँगा तो वो एक इम्पॉसिबल सी बात है, तो उसका तरीका सोल्यूशन ये है कि आप इनको छोड़ दें और खुद ही टाइम के साथ सुबह तक एक दिन में 2 दिन में मान जाती है। कभी पाशा साहब आपको सरप्राइज गिफ्ट भी देते हैं? पाशा साहब को सरप्राइज देने की बहुत आदत है, और इनकी हर छोटी छोटी चीज़ों में सरप्राइज देने की जो आदत है ये मुझे पसंद भी है, क्योंकि एक ना लाइफ रहती है आपकी ज़िंदगी में, एक यू नो लाइवलीनेस रहती है, तो वो मुझे इनकी आदत पसंद भी है, तो देते रहते हैं कभी बर्थडे गिफ्ट कुछ इस तरह से, बर्थडे प्लान ऐसा कर लिया, कभी एनिवर्सरी ऐसे प्लान कर ली शादी की, कभी एक ऐसा भी टाइम था हमारी लाइफ में, ये कराची में जॉब कर रहे थे मैं लाहौर में थी, तो अचानक से मैं बहुत अगर मिस कर रही हूँ इस तरह, रात में अभी हमारी बात हुई है फ़ोन पे कि जी कराची में हैं ये, और सुबह अचानक फजर के टाइम ये घर पे आ गए हैं फ्लाइट लेके रात की, तो इस तरह के सरप्राइजेस देने की इनको बहुत आदत है, तो और सिर्फ मुझे ही नहीं है जनरली भी बच्चों को फैमिली में और सबको, तो इनकी कोशिश होती है कि कुछ सरप्राइज़ करके ना चीज़ें की जाएं, इवेंट को सेलिब्रेट किया जाए, तो ये है इनमें आदत। बच्चों पे रोब दबदबा किसका ज़्यादा है? वैसे तो दोनों का ही रोब भी है और दोनों का ही प्यार भी बहुत है, कोई ऐसा नहीं हम कह सकते कि बहुत कोई एक स्पॉइल कर रहा है और दूसरा जो है वो बहुत पैम्पर्ड। वैसे बच्चों पे अगर कहा जाए तो थोड़ा मेरा है। समीना इतने प्यारे प्यारे बच्चों का तारुफ तो करवाएं ना जी। माशाल्लाह ये मेरी सबसे बड़ी बेटी है माहीन पाशा, और इसके बाद आपके साथ जो है शरारती सा ये मेरा बेटा है माशाल्लाह इब्राहिम पाशा, फिर ये माहम है मेरी बड़ी इनोसेंट सी बेबी है, और ये है मेरी छोटी सी सबसे क्यूट सी बेबी मेरी जो मेरी जान भी है, तो इसका नाम है मिनाल पाशा। मिनाल पाशा तो ये माशाल्लाह 3 बेटियाँ हैं, अल्लाह ने एक बेटा दिया माशाल्लाह। तो आप कौन सी क्लास में है? मैं अब 4 में हूँ। पापा ज्यादा घर पे टाइम देते हैं या मामा? मामा। मामा ज्यादा टाइम देते हैं? नहीं पापा। पापा ज्यादा देते हैं? घर में सबसे ज्यादा डांट किसको पड़ती है? इब्राहिम। क्यों डांट पड़ती है ज्यादा? शरारत बहुत करता है। तंग करता है बहुत। इब्राहिम आप ज्यादा शरारते करते हो? बहुत बहुत। तंग भी करते हो बहनों को? हाँ जी। अच्छा और डांट किसको ज्यादा पड़ती है? मुझे। आपको? शरारती जो करता हूँ, और बहन और माहिर माहिर और माहों को मारता हूँ। मारते भी हो यार आपने तो अभी ग्रेड भी दिया।
और माहिर हाँ? और माहम भी मुझे मारती हैं और माहम ने तो अभी से ही बदतमीजी करती है। ओए होए अभी से कर लेती है। सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है आपसे? पापा। और मामा? मामा भी थोड़ा थोड़ा करते हैं। गिफ्ट्स कौन ज्यादा देता है? दोनों दोनों देते हैं। माहम कैसी हैं आप? ठीक हूँ। आप कौन सी क्लास में हैं? नर्सरी पर्पल में है। प्रेप में हो गई हैं आप। स्कूल जाते हुए रोता कौन है? बड़े होके क्या बनेंगे? आर्मी। माहम बड़ी होके क्या बनेगी? टीचर। आपका नाम क्या है? नाम बचा। मैं मिनाल पाशा हूँ। वाह बहुत प्यारा नाम है आपका। आप ज्यादा प्यारी हैं या नाम? मैं बहुत प्यारी हूँ। क्या खाती हैं आप? चिड़िया खाती हैं। मीना क्या बच्चों को भी मीडिया में लाने का इरादा है? नहीं कुछ खास प्लान नहीं है। बच्चों के मामले में मेरा यही है जहन के पहले तो ज़ाहिर है जो बेसिक एजुकेशन है ये इन लोगों की कंप्लीट हो, फिर जिसमें इनका इंटरेस्ट हो और जिसमें ये कुछ करना चाह रहे हो जिस सब्जेक्ट में या जो भी इनकी अपनी ख्वाहिश हो उसके मुताबिक देखेंगे। घर से लाहौर प्रेस क्लब के लिए रवाना हुई। मौजूदा मुल्की सूरतेहाल पर आपकी क्या राय है? वो आपने एक शेर सुना होगा, ना कमाले महारत ना इंजन की खूबी, खुदा के सहारे चली जा रही है। तो इस मुल्क का भी कुछ ऐसी ही मुझे सूरतेहाल नज़र आती है। खबरों के लिए किसी ने चिड़िया रखी हुई है, किसी ने कबूतर पाल रखा है, किसी ने तोता, तो आपने तो यकीनन कोई जिन या मोक्लात ही रखे होंगे। नहीं जिन या मोक्ल तो नहीं रखे हुए, बहुत ज़्यादा इनसाइड इंफॉर्मेशन कोशिश तो की जा सकती है लेकिन वो भी आजकल तो कुछ ऐसा फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन है कि सही इन्फॉर्मेशन तक पहुंचना भी बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन वैसे मैं बहुत ज़्यादा अभी तक जो मेरा अगर आप वीलॉग में भी देखें उस तरह तो मैं बहुत ज़्यादा खबरों के पीछे उस तरह नहीं भाग रही होती कि मैंने कोई बड़ी इनसाइड इन्फॉर्मेशन दे के कोई बड़ा नंबर वन की रेस जीतनी है। मेरी कोशिश होती है कि जो भी क्रेडिबल खबर सामने आ चुकी है उसके ऊपर अपना तज़िया दूँ, उसका बैकग्राउंड, उसका आगे जो इम्पैक्ट है उसके ऊपर बात कर सकूँ। गाड़ी में म्यूज़िक सुनना पसंद करती हैं या खुद गुनगुनाना? म्यूज़िक वैसे मैं गाड़ी में ही सुनना पसंद करती हूँ और सुनती भी गाड़ी में ही हूँ, अदरवाइज़ नहीं सुनती। गाड़ी में ड्राइव करते हुए म्यूज़िक सुनना पसंद है मुझे, और कोई पसंद का गाना हो तो साथ गुनगुना भी लेती हूँ। उसमें फ़ायदा ये होता है कि किसी और के ऊपर इतनी मुशक्कत नहीं होती, उसके ऊपर इतना जुल्म नहीं हो रहा होता कि उसे भी सुनना पड़े। तो नॉर्मली गाड़ी ड्राइव करती हूँ खुद आते जाते हुए, तो फिर उसमें ये है कि गुनगुना लेती हूँ, अकेली होती हूँ तो। वाह तो फिर तो कोई दो बोला मैं भी सुना देना। दिल की लगी कुछ और भी, दिल को दीवाना करे हो, दिल की लगी कुछ और भी, दिल को दीवाना करे, मेरी इल्तिजा है खुदा से दुआ है, दो दिल जुदा ना करे हो, दिल की लगी कुछ और भी, दिल को दीवाना करे। वाह आप तो बहुत अच्छा गा लेती हैं। नहीं बटी साहब ये तो आपकी जरा नवाजी है। लाहौर प्रेस क्लब पहुंची तो प्रेस क्लब लाहौर के नायब सदर शादाब रियाज ने इस्तकबाल किया और फूलों का गुलदस्ता पेश किया। समीना पाशा आपको मैं खुश आमदीद कहता हूँ अपने लाहौर प्रेस क्लब में। आप हमारी बड़ी सीनियर मेंबर हैं और मैं तो ख़ास तौर पे आपका शुक्र गुज़ार हूँ कि जब भी मेरा इलेक्शन होता है तो समीना स्पेशली मतलब चाहे छुट्टी जल्दी लेके आएँ या जिस तरह भी हो आके वोट लाजमी आके मुझे करती हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप प्रेस क्लब में जो है वो आई हैं। बस कोशिश होती है कि जहाँ पर भी जैसे भी स्ट्रेंथन किया जा सके जर्नलिस्ट कम्युनिटी को तो उसको ज़रूर करना चाहिए मेरे ख्याल से। और मैं आज स्पेशली आई भी इसलिए थी कि मैं आपसे ज़रूर इस पर बात कर सकूं कि इस वक्त जो एक सिचुएशन है मुल्क में जहां हम ये देख रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच को जिस तरह से दबाया जा रहा है या जो एक कदगन है
वो अपनी जगह है, उसके अलावा भी जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है वो बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रही है, जो मुआशी भी हैं और कुछ इस तरह के भी हैं जहाँ पे हरासमेंट भी हो रही है, जहाँ पर ऐसा लग रहा है विक्टिमाइज भी किया जा रहा है। कुछ हमारे सहाफ़ी हैं जो अभी तक लापता हैं, मैं ख़ास तौर पर इमरान रियाज खान साहब की बात करूँगी, दो तीन और लापता हुए, अल्लाह का शुक्र है वो बाद में वापस आ गए हैं। लेकिन शादा भाई, मुझे लगता है कि हमारे अपने अंदर एक इत्तेहाद की कमी है, हम लोग उस तरह से यूनाइटेड नहीं है जिस तरह से अगर हम यूनाइटेड होके अगर बात करें तो फिर चाहे जितना भी आगे कोई ताकतवर शख्स हो, हुकूमत हो, जिससे भी आप बात करें वो सुनने पे मजबूर हो के ये लोग कुछ कह रहे हैं, वो हम इतने डिवाइडेड होते हैं कि उससे लगता है कि हमारी आवाज़ कहीं रह जाती है। आप लोग क्या इस सिलसिले में कर रहे हैं? कम्युनिटी, ये बिल्कुल प्रॉब्लम है। हमारी यूनियंस जो हैं, पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, ये पहले एक हुआ करती थी, बड़ी ताकतवर हुआ करती थी। अब आप देखें कि 5 या 6 यूनियंस जो है वो लाहौर में है। चलिए, हम आपको बेस्ट ऑफ लक कह सकते हैं कि आप लोग जर्नलिस्ट कम्युनिटी के लिए और वैसे भी जनरली भी जो एक मौशी इस्तेहसाल रहता है। देखिए, मैं बड़े बड़े एंकर्स की बात नहीं कर रही, बहुत बड़े बड़े नाम हैं और बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से वो अच्छी सैलरीज भी ले रहे हैं, फिर सोशल मीडिया से भी उन्हें अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं, इनकम उनकी अच्छी होती है। लेकिन जो हमारा स्टाफ लेवल का जर्नलिस्ट है, हमारे कैमरामैन हैं, हमारे टेक्नीशियन हैं, हमारे रिपोर्टर्स हैं, हमारे जो अखबारात में काम करने वाले रिपोर्टर्स और फोटोग्राफर्स हैं, इनकी बहुत कलील आमदन है और इनको ना तो उस तरह से लाइफ इंश्योरेंस मिलती है, ना इनकी हेल्थ इंश्योरेंस उस तरह से। अब इस बजट में मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने अभी अनाउंसमेंट की है रिसेंटली कि जनाब ये हम करने जा रहे हैं, अल्लाह करे ऐसा हो। लेकिन इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि जनरली भी अगर तमाम लोग इस पर आवाज़ उठाएं, बॉडीज़ भी, जैसे कि किसी को बिल्कुल बगैर कोई वजूहत बताए डाउन साइजिंग शुरू हो गई, चैनल से, अखबारात से निकालना शुरू कर दिया वर्कर्स को, या सैलरीज पे कट लग गए और फिर उसी तरह से उनके जो महंगाई बढ़ती चली जा रही है, उस तरह से इंक्रीमेंट नहीं लग पाते, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर कुछ लॉज बनाने चाहिए। क्लब हम लोग बहुत सी चीज़ें कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी हम बात कर रहे थे कि हमारे कई स्कूल्स के साथ इस चीज़ के माहदे हुए हैं कि हमारे मेंबर्स के बच्चे जब पढ़ेंगे 50% 70% डिस्काउंट के ऊपर। फिर उसके बाद हमारे ऑलरेडी कई हॉस्पिटल्स के साथ एग्रीमेंट हुए हुए हैं जिसमें टेस्ट करवाना या उसका ट्रीटमेंट, आउटडोर ट्रीटमेंट, वो कहीं पे फ्री है, कहीं पे 50% डिस्काउंट पे है। तो जितना हो सकता है, इवन हमारे पास एक फ़ंड है कि जो कैमरामैन, रिपोर्टर जो नीडी है, उसकी अगर बहन की बेटी की शादी होती है तो हम गवर्नमेंट लेवल पे साथ उनके करके उसके ऊपर भी प्रेस क्लब की और उसकी जो है वो स्किन की सपोर्ट करते हैं। मतलब मैक्सिमम कोशिश की जाती है कि हम अपने मेंबर्स को किसी तरीके से फैसिलिटेट करें। समीना पाशा से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहा। पीटीआई छोड़ने वालों ने एक नई जमात बनाई है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, आपकी उसके बारे में क्या राय है? बस उसकी अभी देखेंगे कि क्या आगे कितनी देर चलती है, क्या उसका फ्यूचर बनता है। लेकिन माजी में तो वैसे ऐसे तजुर्बात हमने देखे ही हैं भट्टी साहब कि कभी कोई ख़ास कामयाबी हासिल नहीं कर सके, और वक्ती तौर पर अगर बहुत सारे लोग वहाँ पर जमा हो भी जाएँ तो जैसे ही मौसम बदलता है तो वो फिर दूसरे इलाकों की तरफ मूव कर जाते हैं। किसी भी सियासी जमात के लिए जो उनका मेन लीडर होता है वो एक करिश्माती शख्सियत होती है, तो इसमें ऐसा करिश्मे वाला लीडर कौन नजर आता है आपको? यही एग्जैक्टली मैं भी आपसे बात कर रही हूँ ना कि जहांगीर खान तरीन साहब इसके मेन लीडर अगर हैं जो सबको साथ में जोड़ रहे हैं, तो आप देखें कि पिछले अभी साल में जब पिछले 2-3 साल पहले जब अली तरीन ज़िमनी इंतखाब के लिए खड़े हुए थे तो जहांगीर खान तरीन साहब इतने मेन हल्के में अली तरीन को इंतखाब जितवाने में नाकाम रहे थे। तो एक ऐसा लीडर जो अपनी अपने बेटे की नशिस्त नहीं जीत सकता, तो उसकी क्या गारंटी कि उसका दिए हुए टिकट के ऊपर बाकी लोग जो है वो अपनी नशिस्तें जीत लेंगे। इस पार्टी में जो लोग आए हैं वो पार्टियां बदल के आए और वो इलेक्टेबल्स भी हैं, तो क्या वो इस इलेक्शन में कामयाब हो पाएंगे, इंडिविजुअली अपनी सीट निकाल पाएंगे वो लोग? इफ एंड बट्स हैं बहुत सारे, इसके लिए भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी होंगी कि क्या पीटीआई मौजूदा जो शक्ल है उसमें रहती है या कोई और शक्ल में होती है या बिल्कुल ही ऑब्सोलीट हो जाती है मंजरनामे से और कोई उसका वजूद नहीं होता। फिर एक डिफरेंट किस्म का इलेक्शन होगा जिसमें आपको नज़र आएगा कि मुख्तलिफ पार्टीज़ भी जीतेंगी, शायद आज़ाद उम्मीदवार बहुत सारे जीत जाएं, फिर इलेक्टेबल्स भी जीत जाएंगे, फिर बहुत कुछ आपको नज़र आ रहा होगा। लेकिन अगर कहीं ना कहीं पीटीआई की एग्जिस्टेंस बरकरार रहती है और वो भी मौजूदा पीटीआई चेयरमैन की ब्लेसिंग के साथ, उनकी इजाज़त और आशीर्वाद के साथ, तो फिर मुझे लगता है कि आपको ये इलेक्टेबल्स की और जो बाकी एक रिवायती सियासत है
वो शायद उस तरह से अपनी अमलदारी करती नज़र ना आए, फिर आपको एक कंपटीशन नज़र आएगा, फिर वोट सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर हो रहा होगा कि या आप एंटी पीटीआई हैं या आप प्रो पीटीआई हैं। क्या इस साल इलेक्शन होते नज़र आते हैं? मुझे लगता है, मुझे दो तीन फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लगता है कि अल्टीमेटली इलेक्शंस में जाना पड़ेगा। एक तो मुझे इस वजह से भी लगता है कि जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी बार बार, वो तो काफ़ी देर से डिमांड कर रही है कि एक स्टेबल गवर्नमेंट आए, 5 ईयर्स के लिए आए, जो कि बड़े फैसले ले और मईशत को सही सम्त पर डाले, ताकि बाकी जो मालियाती इदारे हैं वो भी उनके साथ निगोशिएट करें, दोस्त ममालिक हेल्प करें वगैरह। तो एक तो इकोनॉमिक कंडीशन, फिर वैसे भी इंटरनेशनली भी बड़ा प्रेशर आ जाएगा अगर 5 साल के बाद भी इन असेंबलीज की मुद्दत को बढ़ाया जाएगा, और तीसरा ख़ुद जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके दरमियान भी एक कंसेंसस नहीं है इस मौजू के ऊपर, और पीपल्स पार्टी ख्वाहां है कि इलेक्शन टाइमली हो जाएं। तो इस पर मुझे लगता है कि ये इख्तलाफ इस तरह से होगा और इसके ऊपर फिर अल्टीमेटली इलेक्शंस में जाना पड़ेगा। लेकिन इस तमाम फैक्टर्स के अलावा एक जो मेन चीज़ है वो ये कि उससे पहले ये इंश्योर करना होगा इन जमातों को कि क्या पीटीआई और चेयरमैन पीटीआई का बंदोबस्त हो गया उनकी मर्ज़ी के मुताबिक या नहीं हुआ। अगर तो वो हो गया हुआ तो फिर आप देखेंगे कि ये फौरी इलेक्शन में चले जाएंगे। अपने प्रोग्राम व्यू पॉइंट की तैयारी के लिए GNN हेड ऑफिस आई। अपनी टीम के साथ प्रोग्राम से मुतालिक मीटिंग की। सीनियर सहाफी इमरान याकूब के हमरा गुफ्तगू हुई। इमरान साहब, आप 3 दहाइयों से ज़्यादा अरसा हो गया सहाफत के शोबे से वाबस्ते हैं, पाकिस्तान के जो बड़े बड़े चैनल हैं उनको लॉन्च करने का एजाज़ भी आपको हासिल है, तो समीना पाशा को बतौर प्रोफेशनल आप कैसा देखते हैं? समीना की क्वालिटी ये है, ये उसके मुँह की तारीफ नहीं है, लेकिन इसकी क्वालिटी ये है कि ये खुद पढ़ती हैं, जब ये पढ़ती हैं तो उसके बाद इन इश्यूज़ का ख़ुद पता होता है, फिर ये सारी बात उसी तरह से करते हैं, और फिर इसका तलफ़ुज़ और उसके अलावा जो मेहनत है, देखें हमने तो ये सीखा है अपने सीनियर से कि दुनिया में हर चीज़ का रास्ता रोक सकता है, मेहनत का रास्ता नहीं कोई रोक सकता। तो मुझे इस बात की खुशी है कि जब हमने व्यू पॉइंट शुरू करना था कुछ 4 साल पहले, जब ये फैसला हुआ तो मीर साहब ने और मैंने आपस में बड़ा मशवरा किया। उस वक्त हमारे पास ऑफिस में वो लोग मौजूद थे जो इस्टेब्लिश एंकर्स थे, लेकिन हमने ये सोचा कि ये समीना के साथ प्रोग्राम करना चाहिए, और अल्लाह का शुक्र है कि हमारा वो फैसला जो बड़ा अच्छा साबित हुआ। इमरान याकूब साहब जैसे सीनियर सहाफ़ी से सीखने का कितना मौका मिला? बहुत, यकीनन इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती। 5वां साल शुरू हो चुका है हमारे व्यू पॉइंट का, और इमरान साहब से बहुत अच्छा एक रिश्ता रहा है हमेशा। एक तो वो बहुत खुल के बात करते हैं, सुनते हैं। आमतौर पर जिस तरह से आपको तासुर मिलता है ना कि जो सीनियर्स स्नब कर देते हैं या कोई डोमिनेंट होने की कोशिश करते हैं, तो शुरू से इमरान साहब ने बहुत रूम फ्राहम किया गुफ्तगू के लिए, अपनी मीटिंग में भी और वैसे ऑन स्क्रीन भी, अपने व्यूज़ शेयर करने के लिए भी। और मैं बड़ी भेदड़क होकर उनसे कोई भी सवाल कर लेती हूँ, इसकी लिबर्टी भी उन्होंने दी। और फिर जाहिर है वो एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो कैसे मामलात को लेकर चलना है, समझाते भी बहुत हैं, और ख़ास तौर पर जैसे मैं वीलॉग्स करती हूँ तो उस पर भी बड़ी गाइडेंस रहती है इनकी कि किस तरह से जो है मामलात को लेकर चलना है, कैसे बात करें, बच बचा के कैसे चलना है, तो बड़ी रहनुमाई रहती है इनकी। स्क्रीन की समीना पाशा और ऑफ स्क्रीन समीना पाशा में क्या फ़र्क है? ज़मीन आसमान का फ़र्क सब ये तो कहते हैं। देखिए समीना की जो क्वालिटी है ना, एक ये देखिए कि समीना जो है बाज़ू का, तो जब शुरू शुरू में हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ ना, तो बहुत सारे लोग जो थे वो जब कभी आना ऑफिस में, उन्होंने तो उन्होंने कहना, मैंने बताना कि ये समीना पाशा हैं। आमतौर पर ये बड़ी सादा ज़िंदगी गुजारती हैं, बहुत सादा, और उस तरह से एंकर्स वाले नखरे नहीं हैं, उस तरह से समीना में वो कह लें कि बनावट नहीं है।
समीना पाशा की एक अच्छी आदत और एक बुरी आदत क्या है? अच्छी आदत सोचनी पड़ेगी, बुरी तो कहीं समीना की अच्छी आदत ये है कि इसको अगर कोई नाराजगी हो, कोई गुस्सा हो तो ये छुपा नहीं सकती, ये इसका जाहिर भी हो जाता है और आगे जाहिर खुद कर भी देती है। और बुरी आदत ये है कि ये जो है ना, जहाँ ना भी बोलना हो बाज़ुकात वहाँ भी बोल देती है। आप दोनों प्रोग्राम व्यू पॉइंट में अब तक के सफ़र को कैसे देखते हैं? ज़बरदस्त, मैंने तो बड़ा इन्जॉय भी किया, सीखा भी बहुत। और जैसे इमरान साहब अभी बात कर रहे थे कि इतने अरसे में कभी हमारी आपस की कोई तलखी नहीं हुई और टीम बड़ी यूनिटी के साथ चलती है, एक दूसरे की खुशी गमी में हम लोग शामिल होते हैं और दुख दर्द में शामिल रहते हैं। और उसके साथ साथ फिर ये भी कि फैमिली की तरह का एक एहसास रहता है कि जैसे हम एक फैमिली की तरह, तो ये एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है। आप यानी इतने साल आप काम कर लें और आपको ये फील ना हो कि भाई हम जिस तरह कोई मुश्किल में हैं या कोई दबाव में हैं या उस तरह, तो इमरान साहब बहुत आपको कंफर्टेबल रखते हैं और आपकी कोई मुश्किल है अगर आप उनके साथ शेयर करें तो जिस हद तक हो सकता है वो कोशिश करते हैं कि उसको कर लें। तो बड़ा अच्छा सफ़र GNN में हमारा चला है इस प्रोग्राम के साथ, हालांकि हमारी टीम में काफ़ी लोग आते जाते रहे लेकिन मैं और इमरान साहब मुस्तकिल हैं। और यही सवाल सर आपसे, जैसे समीना ने आपको बताया, हमारी तीन जो है ना हमारे सीनियर प्रोड्यूसर्स भी, यानी कि आप ये कह लें कि शिप का कैप्टन जो था वो भी तीन दफ़ा चेंज हुआ है, अली मुनीर थे, फिर फैसल थे, फिर आजकल मसूद हैं। तो उसके बावजूद भी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ अच्छी कोऑर्डिनेशन की वजह से हमारा जो प्रोग्राम है उसमें देखें कि कोई उस तरह से फ़र्क नहीं पड़ा उसकी क्वालिटी पे। कि बाज़ुकात ये होता है कि हम प्रोग्राम शुरू करने के लिए जाके सेट पे बैठ जाते हैं और क्योंकि हमारा प्रोग्राम लाइव होता है तो एट द 11th आवर में और समीना एक लम्हे में ये फैसला करते हैं कि हमने ये टॉपिक नहीं करना, स्किप कर देना है, या हमने तीसरे वाले टॉपिक को सबसे पहले कर देना। तो वो उसी कोऑर्डिनेशन की वजह है कि हम उस तरह से करते हैं और वो हमारा फैसला बाद में हमेशा सही साबित हुआ। अच्छा, इस प्रोग्राम में हम लोगों ने एक चीज़, दो तीन चीज़ें मैंने इमरान साहब ने जब स्टार्ट भी किया था तो हमने पहले से तय कर ली थी कि हमने इस प्रोग्राम की एक डिसेंसी को मेनटेन रखना है। और हमारी कोशिश ये थी कि जो एक ट्रेंड करने वाली चीज़ें हैं या बाज़ुकात कुछ ऐसी गुफ्तगु हो जाती है जो वैसे तो बड़ी सोशल मीडिया पर वायरल हो जाए लेकिन वो आपकी जर्नलिस्टिक स्टैंडर्ड्स का वो मयार होता नहीं है कि आप उसको, हम उसमें परख नहीं सकते। तो हमने ये ज़रूर कोशिश की कि हम जितनी देर भी इस प्रोग्राम को लेके चले, हमारे पास जो गेस्ट भी आते हैं, हम कोई एक हद से ज़्यादा उनकी उस तरह की ग्रिलिंग नहीं करते कि जिसमें उन्हें तज़हीक महसूस होनी शुरू हो जाए, या अगर दो से ज़्यादा गेस्ट हैं तो कोई हमने लड़वाना ही है हर सूरत रेटिंग के लिए, या हमने कोई इस तरह की कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ करनी है जिसकी वजह से हमें लगे कि जी हमें कुछ बड़ी रेटिंग मिल जाएगी। तो ये हमारे जो बुनियादी उसूल थे, मुझे लगता है कि ये उसने हमें फ़ायदा दिया। आए फिर बट्टी साहब, अब आपको स्क्रीन की समीना पाशा से मिलवाते हैं, कुछ तैयारी हो जाए प्रोग्राम के लिए। अपने प्रोग्राम व्यू पॉइंट के लिए तैयार होनी, समीना पाशा से हल्की फुल्की गपशप भी हुई। लें जी समीना, आप थोड़े हल्के फुल्के सवाल हो जाए, घरेलू सियासत में भी कोई दिलचस्पी है या सिर्फ पाकिस्तानी सियासत में? नहीं, घरेलू सियासत में दिलचस्पी नहीं कोई खास। आप तो बहुत मसरूफ होती हैं, शॉपिंग के लिए वक्त कैसे निकालती? ज्यादा नहीं निकालती, ज्यादा शौकीन ही नहीं हूँ शॉपिंग की। कंजूस हैं या शाखर्च? कंजूस। खाने में क्या पसंद करती? देसी खाने ज्यादा पसंद करती। कौन सी डिश ज्यादा अच्छी बनाती? मेरा ख्याल है बिरयानी अच्छी बनाने लगी हूँ अब मैं। पाकिस्तान के अलावा कौन से मुल्क में रहना पसंद करेंगी? रहना तो किसी मुल्क में भी पसंद नहीं करूंगी, घूमना हर मुल्क को पसंद करूंगी, चाहे कोई भी मुल्क हो। किस तरह की किताबें पढ़ना पसंद करती हैं? किताबें मुख्तलिफ पढ़ती हूँ मैं, और जब अब तो खैर यानी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं मिल रहा पढ़ने का, लेकिन जब बड़ा करती थी या अभी भी जब मौका मिलता है तो हर तरह की पढ़ती हूँ। किस किस्म के तबसरों और तजियों पर आपको हंसी आती है? जो मजाहिया होते हैं। किस सहाफी के तबसरों पर गुस्सा आता है? ये तो कोई लड़ाई वाली बात हो जाएगी। लेकिन बस ऐसे सहाफी जिसमें मुझे ये लग रहा हो कि कोई जाती बुग्ज़ निकाल रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता उनको सुनना। अगर आप वज़ीर-ए-आज़म हो तो किन सियासतदानों को अपनी कैबिनेट में लेंगे? बड़ा ही मुश्किल सवाल है, आपको जरूर लूंगी वैसे भट्टी साहब। और आपको फूड सिक्योरिटी का जो है ना, मैं मिनिस्टर बहुत शुक्रिया। फिर तो हम आपके वज़ीर-ए-आज़म बनने की दुआएं करेंगे।
नहीं, मुझे वैसे पॉलिटिक्स का करने का कोई ख़ास शौक़ नहीं है, देखने का और जो ज़ाहिर काम भी है उस लिहाज से एक नज़र भी रखते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है करने में। लेकिन बाकी किस किस को कैबिनेट में लेंगे? इन्हीं पॉलिटिशियंस में या कोई ओपन है फील्ड कि किसी को भी ले सकती हूँ? किसी को भी ले सकती हैं, किसी को भी ले सकती हूँ। फिर तो मेरी कोशिश होगी कि ज़्यादा जो पढ़े लिखे लोग हैं ना और प्रोफेशनल जो फील्ड से रिलेटेड हैं वही लोग मिनिस्टर्स हों। अगर कोई आईटी एक्सपर्ट है उस मार्केट का तो उसी टाइप का बंदा होना चाहिए, कोई सियासतदान ना हो। अगर कोई क्रिकेट का चेयरमैन बनाना है तो मेरी कोशिश होगी कोई ऐसा बंदा लूँ जिसको नो हाउ हो क्रिकेट की, समझ बूझो। और अगर कोई फाइनेंस मिनिस्टर है तो वो कोई ऐसा ही बंदा हो जो बेस्ट इकोनॉमिस्ट हो दुनिया का या पाकिस्तान का या जिस तरह भी उसका एक उसका। तो मेरी कोशिश ये होगी कि जो एक्सपर्ट लोग हैं ना उनको लिया जाए, उनकी रेलिवेंट मिनिस्ट्रीज दी जाए ताकि उसमें वो ज़्यादा नॉलेज भी रखते हों और जिनका एक प्रैक्टिकल मार्केट का एक्सपीरियंस भी हो ताकि उनको सही पता हो कि ऊंच नीच क्या है। आपके ख्याल में इनमें से किस सियासतदान को सियासत की बजाय किसी और प्रोफेशन में होना चाहिए? फिरदौस आशिक आवान सैलून खोल लेना चाहिए। फियाजुल हसन चौहान कोई वो शायरी वायरी किया करें। फवाद चौधरी, चौधरी साहब जो हैं उनके लिए बड़ी सूटेबल थी वैसे वो जो साइंस वाली मिनिस्ट्री थी ना, अगरचे मैं अभी उस अपनी ही बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हूँ लेकिन मुझे लगता है कि वो ना कुछ डिफरेंट करने का एक एस्पेक्ट है उनके अंदर, कैपेसिटी है, तो वो उसमें बड़ी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं। राणा सनाउल्ला साहब को कोई थानेदार होना चाहिए। मरियम नवाज हाउस वाइफ होना चाहिए। बिलावल भुट्टो परफॉर्मर होना चाहिए, कोई एंटरटेनर, कोई परफॉर्मर, कुछ इस टाइप। शेख रशीद उनके जो लाइंस होती है ना बड़ी दिलचस्प होती है, तो वो मेरा ख्याल है कोई स्क्रिप्ट राइटर, कोई राइटर, कुछ इस टाइप का उनका काम होना चाहिए। हमजा शहबाज मेरा ख्याल है उन्हें एक्टर होना चाहिए। शहबाज शरीफ सिंगर होना चाहिए। नवाज शरीफ बिजनेसमैन ही होना चाहिए। आसिफ अली जरदारी मेरा ख्याल है वही करना चाहिए जैसे वो होता है ना जमींदार वडेरा टाइप और वो उस टाइप का आता है। मौलाना फजलुर रहमान साहब को 1973 के आइन का टीचर होना चाहिए। उस्मान बुजदार बुजदार साहब नु माफ कर दे। इन एंकर्स के लिए एक लफ्ज, आरिफ अमीद भट्टी दबंग सहाफी। मंसूर अली खान वेरी स्मार्ट एंकर। हामिद मीर हार्ड वर्किंग जर्नलिस्ट। काशिफ अब्बासी माय फेवरेट एंकर। मेहर बुखारी डिसेंट जर्नलिस्ट। इमरान रियाज किंग ऑफ यूट्यूब। जुनेद सलीम वेरी विटी एंड वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन। साबिर शाकर इनफॉर्म्ड जर्नलिस्ट। बीनिश सलीम शार्प एंकर। गरीदा फारूकी डिफिकल्ट पर्सन। बहुत बहुत शुक्रिया समीना, आपके साथ सारा दिन गुजारा बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच भट्टी साहब, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा आपके साथ वक्त गुजारा और बड़ी चीजें शेयर की और एक्सप्लोर भी किया बहुत कुछ। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो आई।